हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी की मौत की खबर सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की मौत हुई है, ये जानकारी अब मिल रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की मौत हो गई है। उनके परिवार को पहले ही एसएना के अधिकारियों के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि वो जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचें। कुछ समय पहले ही TV9 भारतवर्ष से मधुलिका रावत के भाई हर्षवर्धन जी ने बात की थी और उन्होंने बताया था कि उनकी बात हुई है सेना के अधिकारियों से, जिन्होंने उन्हें तुरंत दिल्ली पहुँचने के लिए कहा है। मधुलिका रावत जी की माता जी शहडोल में रहती हैं, उन्हें वहाँ से उनके लिए व्यवस्था की जा रही थी कि वो भी जल्द से जल्द दिल्ली पहुँचें। दुखद खबर सामने आ रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की मौत की जानकारी सामने आ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।